हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बॉर्न गोल चैनल। मैं हूं आपका अपना संदीप और आज हम बात करेंगे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जो नंबर दूसरे पे कॉलेज आता है उसके बारे में, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर के बारे में। मैंने इससे पहले राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आर ई सी अम्बेडकर नगर पे एक वीडियो बना रखा है जिसमें फुल मैंने बताया है कि REC अम्बेडकर नगर का प्लेसमेंट वगैरह और फर्स्ट राउंड के कट ऑफ वगैरह के बारे में, और ये भी बताया था कि सेकेंड और थर्ड राउंड में कट ऑफ क्या जाएगा। उसी तरीके से हम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो आप सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी एक बार बताऊँगा एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद से इसकी फ़ीस कितनी है, अब इसकी फ़ीस कितनी है, सब कुछ मैं ऑफिशियल डाटा के साथ बताता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, आपको सब कुछ सच्चाई पता चले। उसके बाद से आपको ये बताऊँगा कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रहा, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सेकेंड एंड थर्ड राउंड में कितना जा सकता है, किसको मिल सकता है, और उम्मीद है कि 2 लाख से ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। 2 लाख 2.5 लाख पे एक कॉलेज मिल सकता है आराम से, एक गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद में इसका आपको प्लेसमेंट बताऊंगा, वो भी हॉनेस्टी से बताऊंगा, और बहुत लोगों का ये मानना है कि REC में जाने से पहले राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से बेटर है प्राइवेट में जाओ, तो मैं इस बात पे भी मैं कुछ अपना एक राय देना चाहूँगा कि कौन ज़्यादा बेटर रहेगा और क्यों बेटर रहेगा। तो मैंने इसको सेकेंड पे रखा है, ठीक है, जबकि बांदा का प्लेसमेंट इससे अच्छा साबित हो सकता है, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थर्ड पे मैं बांदा लेने वाला हूँ, REC बांदा। तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है। हर REC का, हर अदर यूनिवर्सिटी का, AKTU से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं अच्छे और जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट में अच्छे हैं, उन सबका मैं यहाँ पे रिव्यू लेने वाला हूँ। आप कहेंगे तो मैं किसी बिजनौर के बच्चे से हॉनेस्ट रिव्यू दिलवा दूँगा, बस आप कमेंट करके तो बताइए। डेफिनेटली मैं आपके साथ आपके पूरे काउंसलिंग में हूँ, ठीक है। आपको अगर काउंसलिंग में या फिर किसी भी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इशू है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं इससे रिगार्डिंग। आप नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए, हम खुद आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो यार मैं बताता हूँ REC बिजनौर के बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि UP स्टेट का है, ठीक है। इसको ऑलरेडी UGC और NAC से एग्रीडिगेशन और मिला हुआ है, और AKTU से एफिएटेड है। दिस इज़ AKTU से एफिएटेड है। उसके बाद से यहाँ इसका इस्टेब्लिश्ड ईयर 2009 है, तो बहुत पुराना नहीं है, नया है, इसीलिए जो इसकी बिल्डिंग्स हैं ना वो न्यू हैं, नई नई बिल्डिंग्स हैं, हॉस्टल भी नए हैं, हॉस्टल्स भी न्यू हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नया आपको देखने को मिलेगा, तो ये बात तो ठीक है। हाँ, इसके बाद से हम बात करते हैं फैकल्टी। तो टोटल 20 फैकल्टी है। अगर आप मुझे इसके बारे में बात करें कि सर इसकी फ़ीस क्या है, तो आइए हम जानते हैं इसकी फ़ीस क्या है। तो इसकी फ़ीस जो है बहुत, चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसलिए इसकी फ़ीस जो है बहुत ही कम है। ट्यूशन फीस मात्र 40,000 है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ट्यूशन फीस मात्र 40,000 है। यूनिवर्सिटी फीस 75,000 है, ठीक है। लाइब्रेटरी फीस 3,500 है। टोटल मेडिकल वगैरह मिला के 52,118 है, तो इतना कम फीस है, मात्र 52,118 फीस है, ठीक है। और FW के लिए फी वेवर वाले जो हैं उनको तो 12,118 देना है, उनको पूरा 40,000 जो है ट्यूशन फीस जो माफ़ हो जाएगा। अब देखो हॉस्टल फीस क्या होगा, 10,000 मतलब 750 रुपये, मतलब 11,000 के आसपास हॉस्टल फीस लगेगा आपका एक साल के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, ठीक है। और 15,000 पर सेमेस्टर लगेगा, मतलब 30,000 मिस चार्ज लगने वाला है। तो टोटल मिला के आपका कितना, 50 मान लीजिए, 92,000 के आसपास एक साल का फीस लगेगा, मान लीजिए 92,000 के आसपास एक साल का फीस लगेगा 22K, जिसमें से आपका 55 मतलब हॉस्टल वगैरह मिला के मैं बता रहा हूँ टोटल, बाकी सिर्फ फीस की बात करेंगे तो 52,000 है, फीस तो बहुत कम है भाई, फीस 52,000 है, इसमें से 55,000 आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, तो ये तो बहुत कम है। अब इसमें से 52,000 फीस है, अब जिसमें से 55 से 60,000 आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा,
तो टोटल ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च होगा, 30-40 हज़ार खर्च होने वाला है बीटेक में। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे तो बढ़िया कॉलेज लग रहा है फ़ीस के हिसाब से, क्योंकि फ़ीस बहुत कम है। 50 हज़ार अगर फीस किसी कॉलेज का है इसमें कॉशन मनी वगैरह ऐड करके, ठीक है, मतलब अगर अगले साल से, तो आपका 46 हज़ार लगेगा। तो ये तो बहुत कम फीस है भाई, 46 हज़ार में कौन कॉलेज बीटेक करा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया फीस है, बहुत कम फीस है। तो ये रही फीस की बात कि इसकी फ़ी कितनी है। तो फ़ी आपने देखा सेकेंड ईयर वालों के लिए 46 हज़ार और फर्स्ट ईयर वालों के लिए 52 हज़ार। इसमें कॉशन मनी है तो कॉशन मनी तो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये हमारे लिए बढ़िया चीज़ है, ठीक है, ये ऑफिशियल डाटा है, ऐसा नहीं है। हॉस्टल भी बहुत महंगा नहीं है, 40 हज़ार एक साल का हॉस्टल आ रहा है, तो बहुत महंगा नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है, 40 हज़ार ज़्यादा ज़्यादा है ना। ओके गाइस, तो ये तो बात रही आपके इसकी। अब हम बात करते हैं प्ले इसके बाद कि सर आप तो फ़ी बता दिए कि फ़ी टोटल कितना लगने वाला है, फ़ी की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ इसका प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है, प्लेसमेंट कैसा। तो यार प्लेसमेंट इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा फैक्टर है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इन लोग का ऑफिशियल वेबसाइट है REC बिजनौर वालों का। देखो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हो सब नए हैं, सब नया ही बना है और देखने भी काफ़ी ठीक ठाक ग्रीन कैंपस लगता है। अब बस ये है कि आसपास का एरिया बहुत डेवलप्ड एरिया नहीं है, ठीक है। ये है कि एरिया भले डेवलप्ड ना हो पर कैंपस अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका वगैरह है। आप जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा निराश तो बिल्कुल भी नहीं होगे, जितना लोग सोचते हैं REC के बारे में कि गांव जैसा कॉलेज है, लगता है स्कूल है, ऐसा नहीं है। नहीं है, देखो यार इतना बढ़िया तो बिल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं रुको, मैं प्लेसमेंट के बारे में बात कर लूँ, ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये देखो इनका प्लेसमेंट है 2019-20 में, जो विप्रो आई थी, विप्रो ने लगभग कई बच्चों को ले गई, 6 बच्चों को ले गई और 3.5 लाख के पैकेज पे ले गई, ठीक है। तो एवरेज से पैकेज इनका 3-3.5 लाख है। उसके बाद से टाटा कंसल्टेंसी आई थी, IT के बच्चों को ले गई 3,36,000 के पैकेज पे। उसके बाद से और भी इन्फोसिस आई थी उस कंपनी, जैसे देख रहे हो विप्रो, इन्फोसिस, टाटा, यही सब कंपनीज आ रही हैं और मोस्टली यहाँ पे प्लेसमेंट IT का ही हो रहा है। तो अगर तुम यहाँ जाने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें IT ही लेना चाहिए, और किसी का लेने का तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि इन्फोसिस आई थी IT को ले गई, ठीक है, और एक कोई कंपनी है ये भी IT को ले गई 3 लाख के पैकेज पे। NIIT टेक्नोलॉजीज आई थी, IT को ले गई, ठीक है, NTT डाटा IT को 3.5 लाख के पैकेज पे ले गई, ठीक है। उसके बाद इन्फोस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड आई थी, जिसमें से इसने IT, CE और कुछ EE को ले गई है, बाकी ज़्यादा प्लेसमेंट यहाँ पे IT का है। तो तुम मुझसे पूछो कि सर मुझे यहाँ जाना चाहिए कौन से ब्रांच से, तो मैं कहूँगा IT और EE में ज़्यादा जाने चाहिए। कई लोगों को तो EE और IT के बच्चों को तो 2-2 लाख का प्लेसमेंट मिला है, तो बहुत बेकार प्लेसमेंट है, ठीक है। 2 लाख मतलब क्या, भाई 20 हज़ार भी नहीं, 16-17 हज़ार, ठीक है। और कई लोग को 2-2.5 लाख के पैकेज पे भी ले गए हैं यहाँ पे, लेकिन IT का ही ज़्यादा प्लेसमेंट है यहाँ पे। तो तुम IT ज़्यादा प्रेफर करना अगर इस कॉलेज में जा रहे हो, तो IT ज़्यादा प्रेफर करना, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रेफर करना। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें ये बताऊँ कि यहाँ पे ब्रांच कौन कौन से हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, इंफॉर्मेशन है, मैकेनिकल है और अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि IT ज़्यादा इधर प्रीफर करना, इसी से IT और CSE ज़्यादा प्रीफर करना, इलेक्ट्रिकल और सिविल से CE से, ठीक है, क्योंकि दैट आर नाइस ब्रांचेज हियर। ओके, तो ये रही REC की प्लेसमेंट की डाटा। तो मैं एवरेज प्लेसमेंट अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं 3 लाख बताऊँगा, और बाकी हाईएस्ट प्लेसमेंट का इन्होंने तो बहुत ज़्यादा डाटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जैसा कि अभी तुम उसमें देख रहे थे ना, इससे पहले जो अम्बेडकर नगर में बताया था, तो हाईएस्ट जो था वो 9 लाख था, उन्होंने साफ बोला था कि 4.5 लाख का एवरेज है। तो यहाँ पे इसका एवरेज कम है, इसका एवरेज 3 लाख है और हाईएस्ट तो 9 लाख है। तो REC बिजनौर एक हो सकता है, अगर आपके पास पैसे की थोड़ी सी कमी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, पढ़ाई के लिए तो जा सकते हो, ठीक है। पढ़ाई वगैरह तो सही है, फैकल्टीज़ वगैरह तो सही है, ठीक है। बच्चे तो यही बोल रहे थे कि सर फैकल्टी वगैरह यहाँ पे सही है, मैंने जितनों से भी बात किया, ठीक है। तो चलो मैं आगे और दिखाता हूँ कि इनका और क्या है और कट ऑफ क्या जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा मायने रखने वाला है, ठीक है। अभी JEE से हो रहा है, आपको पता है कि कॉलेज जो ले रहे हैं लोग JEE से ले रहे हैं,
जेई से AKTU की काउंसलिंग हो रही है, AKTU की काउंसलिंग हो रही है, अब जेई से आपको मिलने वाला है। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ देखते हैं, फर्स्ट राउंड में क्या क्या गया था। फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के बाद हम डिसाइड करेंगे कि सेकेंड एंड थर्ड राउंड में क्या जाने वाला है, ठीक है। तो देखो यार, जिनके पास थोड़े पैसों की कमी है, प्राइवेट नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन। तो अगर मैं फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के बारे में बात करूं, अगर मैं इस पे तुम्हें बोलूं कि एक नज़र डालो ज़रा, तो तुम ऐसा कुछ पाओगे कि जो REC बिजनौर है, ठीक है, REC बिजनौर है, इसका सिविल जो गया था OBC के लिए 2,29,000 तक गया था OBC के लिए, ठीक है, और गर्ल्स के लिए जो गया था 2,26,000 तक गया था, ये CRL रैंक है, ठीक है, OBC गर्ल्स के लिए। तो यार सॉरी, 2,68,000 गया था, तो यार 3 लाख तक भी इसका सिविल वगैरह मिल जा रहा है, ठीक है। और ओपन कैटेगरी में देखोगे तो 1,80,000 तक गया है, और 1,94,000 2 लाख के आसपास गया है इसका। तो देखो यार, अगली बार इसका जो सिविल जाने वाला है 2.5 लाख तक जाने वाला है, 2.5 लाख तक जाने वाला है, तुम टेंशन मत लो OBC कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें, मतलब 3 लाख तक ही आराम से जाएगा, तुम इस बात की चिंता ना करो, 3 लाख तक ही जाएगा लास्ट राउंड तक जाते जाते। चलो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन मसला अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो देखो भाई, ओपन ऑल इंडिया कोटा से 1,10,000 तक गया है ना, तुम देखना थर्ड राउंड तक जाते जाते 1.5 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। तो जिसको ये चाहिए होगा आराम से मिल जाएगा 1.5 लाख तक, ठीक है। होम स्टेट वालों का 1 लाख कितना गया, 4,391 गया ना, तो इनका भी अच्छा खासा चला जाएगा, इनका भी 1.5 लाख से ऊपर ही जाने वाला है। और अगर SC है तो ये तो 5 लाख पे ऑलरेडी पा रहे हैं, 6-7 लाख तो इनका जा ही सकता है, ठीक है। और उनके लिए मैं बात कर लूँ OBC वालों के लिए, तो OBC वालों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,11,535 पे बंद हुआ है, और OBC गर्ल के लिए 1,18,600। तो देखो, इन सबका अगर मोटा मोटी बात करूँ, अगर आपका 1.5 लाख के अंदर रैंक आ रहा है तो REC बिजनौर मिलने का चांस है। REC बिजनौर चाहिए तो 1.5 लाख के अंदर अगर आपका रैंक है तो REC बिजनौर एक आपके लिए हो सकता है कि थर्ड राउंड तक आपको मिल जाए। और अगर इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में यार देख ही रहे हो, 3 लाख 4 लाख, मतलब ये आराम से 2 लाख रैंक तक आपको ये मिलने के चांस हैं पूरे, 2 लाख रैंक तक। अगर आप OBC या EWS से हैं तो 2 लाख से ज़्यादा रैंक तक भी आपको ये मिलने का चांस है इलेक्ट्रिकल का। पर मैं इधर तुम्हें सजेस्ट करूँगा, IT मिले तो निकल लो, IT मिले तो ही जाना, मतलब इलेक्ट्रिकल वगैरह का तो तुम प्लेसमेंट देख ही रहे हो। तो मान के चलो तुम कोर में, अगर तुम प्लेसमेंट अभी तुम देख रहे हो कि सिविल का जो गया है 2.5 लाख से ऊपर ही गया है, ठीक है, तो ये आराम से 3 लाख तक जाएगा, थर्ड राउंड तक 3 लाख तक जाएगा मेरे हिसाब से। हो सकता अभी अलग अलग भी हो सकता है, कोई ये नहीं है कि रामबाड़ी है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है। और उसके बाद से जो 1.10 लाख गया है ना, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक जाएगा, ठीक है, उसके अंदर ही बंद हो जाना चाहिए, ठीक है, सेकेंड या थर्ड राउंड तक मिला के। तो कुल मिला जुला के अगर आपको IT मिल रही है तो यू कैन चूज़ दिस, बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है, और मैं बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, ऑन एंड एवरेज कॉलेज। बट अगर 40,000 फीस में मुझे कोई कहे तो मुझे तो ये बेटर ऑप्शन लगता है, कि इनकी फीस तो देखो 40,000 है सेकेंड ईयर से, और फर्स्ट ईयर में बस क्वेश्चन मनी वगैरह मिला के 51,000 के आसपास, तो यार इतनी कम तो फीस है। अब क्या चाहिए तुम्हें, हॉस्टल फीस और खाने का भी इनका कम है, 40,000 है, प्राइवेट में खाने का 80,000 और हॉस्टल फीस मिला के 80,000 लगता है, इनका 40,000 है, अब बोलो, ठीक है, इनकी फीस भी 42,000 के आसपास है, प्राइवेट में अभी तुम जाओगे तो 1 लाख, वही 1,30,000 के आसपास फीस होगा, तो ये बन गया तुम्हारा 2 लाख का, 1 लाख के अंदर हो जा रहा है, और उसमें से 55,000 60,000 तुम्हारा इनकम वापस भी आ जाएगा स्कॉलरशिप में, यही तुम्हारा 2.5 लाख का बनेगा तो स्कॉलरशिप में 50 से 55 ही वापस आएगा। तो यार ये है कि अगर तुम इधर जा रहे हो, अगर तुम्हें IT मिल रहा है तो गवर्नमेंट में हमेशा फ़ायदा होता है, पैसे का तो हमेशा फ़ायदा होता है। हाँ, अगर आप बढ़िया फैमिली से हैं, अगर आपकी फैमिली इनकम गुड है, तो आपको प्राइवेट ही जाइए, और वो लोग भी प्राइवेट जाएं जिनको फ़ी वेवर की सीट मिली है। फ़ी वेवर की सीट वालों को मैं हमेशा प्राइवेट सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, अगर टॉप की 3 नहीं मिले तो प्राइवेट में निकल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें पैसे की दिक्कत है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से है तो इधर ही जाओ, तो प्राइवेट में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लगे खून चूस ले रहे हैं। तो ये रहा ये वाली बात।
तो तुम मुझे बताना तुम्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और REC बिजनौर का कैसा लगा तुम्हें वो। हाँ एक चीज़ और, कई लोग कहते हैं यार लोकेशन का लोकेशन अच्छा नहीं है, तो यार देखो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सही है। अब जो आसपास का लोकेशन है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट ठीक ठाक है, ऑन एंड एवरेज है, ठीक है। और वैसे भी आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिल गया, अगर गेट वगैरह की प्रिपरेशन करना है तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली और बंगलुरु जाके ही किया जाए, ठीक है। तो यू कैन चूज़ दिस, अब तो ऑनलाइन है यार, अब तो तुम्हें कोडिंग भी सीखना हो तो ऑनलाइन ही सीख लोगे ना, नहीं सीख लोगे, कॉलेज बस होना चाहिए, ठीक है। तो कॉलेज है ही, इनकी लैब वगैरह सब ठीक ही ठाक है, फैकल्टी वगैरह ऑन एन एवरेज ठीक ही है, ठीक ही ठाक है, IITs की फैकल्टी हैं कई थे तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, उतना बुरा भी नहीं है। और इधर की जो फैकल्टीज़ होती हैं ऑलरेडी सारी फैकल्टी PhD की हुई होती हैं, एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई करके ही आती हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट में तो वो लोग वैसे भी रख लेते हैं, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी वगैरह भी रख लेते हैं। तो हम गवर्नमेंट की फैकल्टीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा वो कर सकते हैं कि ये ज़्यादा क्वालिफाइड होती हैं, तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट, नॉट बेस्ट बट ठीक ठाक एवरेज चॉइस अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो, क्योंकि REC लेने में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बुराई है। क्योंकि यार तुम मान लो कई लोग मैकेनिकल जाके ले रहे हैं KG में, अब बताओ यार मैकेनिकल में प्लेसमेंट होता नहीं है, तुम 3 लाख जाके साल का दोगे और बाद में प्लेसमेंट नहीं होगा तो घर वालों से क्या कहोगे, मुश्किल तो है ना कि 12 लाख तुमने डुबाए और बाद में प्लेसमेंट नहीं हुआ, अच्छा तो व्हाट यू विल से, सबसे दिक्कत वाली बात तो ये है ना। तो अगर मान लो तुम यहाँ पे साल का जितना 90 हज़ार लगेगा उसमें से 50-60 हज़ार आ जा रहा है, 30-40 हज़ार ही लग रहा है, ठीक है, उतना तो तुम खुद से भी वर्क कर सकते हो, एक्स्ट्रा वर्क भी होता है, ठीक है, बहुत सारी साइटें हैं जहाँ पे तुम काम कर सकते हो। BTEC में एडमिशन लेने के बाद तुम सेल्फ डिपेंडेंट होकर अगर BTEC कर ले रहे हो और अगर IT वगैरह मिल जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि एक बेकार चॉइस है, ठीक है। हाँ लेकिन अगर तुम अच्छे फैमिली से हो तो तुम अच्छी जगह ही जाओ, ठीक है, प्राइवेट ले लो, मुझे नहीं इशू है, अगर तुम्हें प्राइवेट में फी वीर मिल रहा है तो भी तुम वहीं जाओ, यहाँ मत आओ। मैं पैसे की वजह से ज़्यादा ही इन सबको प्रीफर करता हूँ, और लोग गवर्नमेंट में भी इसीलिए प्रीफर करते हैं ताकि पैसे वगैरह नहीं लगते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना गाइस, तो मेरी बात अच्छे से आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तुम देख सकते हो मैं 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ रात को, तो ठीक है गाइस, 2 बज गया, देखो 2 बज गया, 2 बज चुके हैं, पर अगला कॉलेज में कौन सा लूँ तुम बताते रहना, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटीज़ पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो करना है कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे भी नींद आ रहा है, ओके, तो टाटा बाय बाय।